हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगा फ्रेंड्स, पोलराइजेशन फजान्स रूल और थर्मल स्टेबिलिटी। तो ठीक है, तो लेट्स कम पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, हम एक आयनिक बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्पेशली बात ये आती है कि पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन क्या होता है, हेयर डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या हो गया, एनायन की का डिफॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो पोलराइजेशन में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा। तो कैटायन की क्या फ्रेंड्स क्या होती है, पोलराइजिंग पावर, और एनायन की होती है पोलराइजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो पोलराइजिंग ऑफ कैटायन अब तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर को मैं पीपी लिख रहा हूं, तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट रिलेशन होगी चार्ज ऑफ कैटायन। ओके फ्रेंड्स, इनवर्स रिलेशन होगी साइज ऑफ कैटायन, और डायरेक्ट रिलेशन होगी स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात आती है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की मैंने आपको बताई पोलराइजिबिलिटी होगी, पोलराइजिबिलिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीएस। तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन भी तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, पहला चार्ज ऑफ एनायन, और दूसरा साइज ऑफ एनायन, और डायरेक्ट रिलेशन होगी एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल पॉइंट्स फेवर करेंगे पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज फजांस रूल। तो ये सारे पॉइंट्स फेवर करेंगे फजांस रूल को, और यही फजांस रूल है। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि फजांस रूल्स इट मेनली टेल्स दी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहां पर एक टर्म आया था, ये आया था स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है जिनके लास्ट शेल में 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहते हैं। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन आप जानते ही हैं, जिनके लास्ट शेल में 2, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप वन का होता है। ग्रुप वन में क्या होता है, फर्स्ट ए होता है और फर्स्ट बी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ए में क्या होता है, लिथियम प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया, और पोटेशियम प्लस हो गया, और रुबिडियम प्लस हो गया। तो Li+1 में क्या हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 8 हो गया, 2 8 8 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी। और अगर सेकेंड बी की बात कर फर्स्ट सॉरी फर्स्ट बी की बात कर रहे हैं, तो Cu+Ag+Au+, तो इनकी क्या कन्फिग्रेशन होगी, 2 8 18 हो गया, 2 8 18 18 हो गया, 2 8 18 18 32 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहलाती है। अब अगर ग्रुप सेकेंड की बात करता हूं मैं, तो सेकेंड ए हो गया, सेकेंड बी हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड ए में क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, Be+2 हो गया, Mg+2 हो गया, Ca+2 हो गया, Str+2 हो गया, Be+2 हो गया। तो ये सारी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। और अगर फर्स्ट सेकंड बी की बात कर रहे हैं, तो Zn+2 हो गया, Ca+2 हो गया, Hg+2 हो गया, तो इनकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 8 18 हो गया, 2 8 18 18 हो गया। तो ये स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये क्या बताता है, इट टेल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट रिलेशन हो गया पोलराइजेशन के। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा मॉलिक्यूल्स में। तो हेयर तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोमा सोल्यूबिलिटी इन वाटर इनवर्स रिलेशन हो जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर के। इनवर्स रिलेशन हो जाता है पोलराइजेशन के। तो यहां से क्या निकला कंक्लूजन, कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी मॉलिक्यूल में। तो उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहां पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, जैसे Na+ हो गया तो इसका जेड इफेक्टिव जाहिर सी बात है कम होगा, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा। अब यहां पर हम स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं, तो स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में क्या होगा, Cu+2 हो गया, तो यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है।
ओके फ्रेंड्स, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो गई फ्रेंड्स। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से हमने पहले ही बताया आपको, तो शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के डायरेक्ट रिलेशन है पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो गई। ओके फ्रेंड, तो मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं। मैंने अब लिया सॉरी फ्रेंड्स ग्रुप का, तो इसमें सोडियम हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, ओके फ्रेंड्स NaBr हो गया, NaI हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनायन, एनायन कैटायन सेम है, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। एनायन के साइज इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो गई। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से पोलराइजेशन इंक्रीज हो गया। पोलराइजेशन इंक्रीज होने से क्या हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कोमा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अभी जो मैंने आपको समझाया NaCl कोमा CuCl, अगर हम यहां से लेफ्ट से राइट की बात करते हैं तो यहां क्या हो रहा है, शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन रोल प्ले कर रही है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से हाई पोलराइजिंग पावर हो गई। हाई पोलराइजिंग पावर होने से क्या हो गया, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कम हो ही जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं NaCl, MgCl, AlCl3, SiCl4। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एनायन सेम रखा और कैटायन बदल गया, मतलब कैटायन मैंने डिफर कर दिया। तो क्या हो रहा है कैटायन, तो यहां पर क्या हो रहा है, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा। तो साइज ऑफ कैटायन के डिक्रीज होने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो गई। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इवन दैट AlCl3 कोमा और SiCl4 में इतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है कि ये टोटली कोवेलेंट कंपाउंड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो बात रही पोलराइजेशन की यानी फजांस रूल की। अब मैं आपको बताता हूं थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। अब पहले ये एग्जांपल देखते हैं हम आपको। देखिए बेरिलियम कार्बोनेट लिखा है मैंने, का एग्जांपल लिखा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट लिखा है, बेरियम कार्बोनेट लिखा है, और मैं यहां पर कार्बोन ये बाइकार्बोनेट्स लिख दिए मैंने, नाइट्रेट्स लिख दिए, फिर नाइट्रेट लिख दिए, फिर मैंने बाइकार्बोनेट्स लिख दिए, सेकंड ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले वाले एग्जांपल को समझते। तो फ्रेंड्स मैं पहले वाले एग्जांपल की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं पहले आंसर का। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, को मैंने गर्म करा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके फ्रेंड्स, तो थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करे। ये कंपाउंड को मैं हीट करता हूं तो वो ब्रेक होता है, तो उसको टेम्परेचर नीड होता है, तो वो टेम्परेचर ही कहलाता है आपका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो ये टेम्परेचर ही कहलाता है डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर दो दो तरीके का हो सकता है, या तो टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर हाई हो। फ्रेंड्स अगर टेम्परेचर लो हुआ तो क्या हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर लो है तो थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई है, ओके फ्रेंड्स अगर टेम्परेचर हाई है तो थर्मली स्टेबल होगा मोलिक्यूल। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ये कार्बोनेट बनाया मैंने, ये कैल्शियम हो गया, ये बेरिलियम का कार्बोनेट हो गया और ये बेरियम का कार्बोनेट हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये बेरिलियम हो गया प्लस टू है, तो ये क्या हो रहा है, एनायन डिफॉर्म हो रहा है। तो हियर साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉल, तो बेरिलियम का साइज स्मॉल है तो इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर। तो अभी हमने डिस्कस करा है पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट रिलेशन होती है चार्ज ऑफ साइज ऑफ कैटायन, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज मतलब हाई हो जाएगी, तो क्या होगा, हेंस नीडेड लो टेम्परेचर, तो उसको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो देयरफॉर थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। ओके फ्रेंड्स, बेरिलियम कार्बोनेट का। अब अगर हम दूसरे कंपाउंड पे आते हैं तो बेरियम कार्बोनेट है, बेरियम है, तो यहां पर क्या हो गया, लो पोलराइजिंग पावर होगी क्योंकि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो गया। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होने से क्या हो गया फ्रेंड्स, उसका साइज इंक्रीज हो गया तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो गई, हमने अभी पढ़ा है। तो हाई टेम्परेचर, तो इसका मतलब उसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा थर्मली, तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा तो थर्मली स्टेबल हो गया मोलिक्यूल। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल हो गया।
तो फ्रेंड्स अब थर्मल स्टेबिलिटी किस किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड्स, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्लोज पैकिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, तीसरा लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी और चौथा पॉइंट है पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लैटिस एनर्जी हाई होगी तो थर्मली स्टेबल हाई होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी उस कंपाउंड की। अगर लैटिस एनर्जी हाई है तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी, अगर उसका पोलराइजेशन हाई है तो थर्मली स्टेबल लो होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी लो होगी। ओके फ्रेंड्स, तो पोलराइजेशन हाई का मतलब है एज नीडेड लो टेम्परेचर टू ब्रेक कंपाउंड, तो अगर उसका पोलराइजेशन हाई है तो उसको लेस टेम्परेचर नीड होगी वो कंपाउंड को ब्रेक करने की। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कहां हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएं और कहां पोलराइजेशन का। ओके फ्रेंड्स, तो हेयर वी नो, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमें कहां पोलराइजेशन का फैक्टर लगाना है और कहां किसका फैक्टर लगाना है, कहां पोलराइजेशन का फैक्टर लगाना है और कहां कहां लैटिस एनर्जी का फैक्टर लगाना है। तो फॉर थर्मल स्टेबिलिटी लुक एनायन, हम एनायन को देखेंगे। अब एनायन में दो बातें, या तो स्मॉल होगा तो मोनोएटॉमिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वो मोनोएटॉमिक है तो लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लैटिस एनर्जी का फैक्टर लगाएंगे। जैसे अब मोनो कैसे हो गया, O2- हो गया, N3- हो गया और X- हो गया। अब अगर एनायन लार्ज है या पॉलीएटॉमिक है तो पोलराइजेशन फैक्टर लगाएंगे। पोलराइजेशन फैक्टर जैसे लार्ज कौन सा हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, C2O4- हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, O3- हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सोन, तो हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोलराइजेशन का फैक्टर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात और, टॉप टू बॉटम अगर ऊपर से नीचे जाते हुए तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोलराइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर टॉप टू बॉटम अगर हम पोलराइजेशन का फैक्टर लगा रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायंस। अब फ्रेंड्स हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट है ये और मैग्नीशियम नाइट्राइट है। अब देखते हैं, हेयर कम्स, अब क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी का फैक्टर लगेगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे एनायन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यानी मोनोएटॉमिक एनायन है, तो कौन सा फैक्टर लगाएंगे, लैटिस एनर्जी का। तो ये क्या हो रहा है, पीरियड की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चार्ज ऑफ, यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज ऑफ इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होने से लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होने से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कम्स प्ले इनटू द रोल। तो क्या हो रहा है, इन शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पोलराइजेशन का फैक्टर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इन शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पोलराइजेशन का फैक्टर कम्स होगा, तो क्या हो रहा है, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है पोलराइजेशन के, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये